वंदे मातरम। इसके पहले हमने देखा है कि डॉन पेटिंगिंग का मॉडल जो 1965 में आता है वो क्यों आता है, तो अभी हमने बताया कि जो पोस्ट केनियन थ्योरी क्यों शुरू हुई, इसका जो मेन कारण था कि जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ तो फिर कई देशों में मंदी की स्थिति आई तो मुद्रा की मांग हुई, और जब मुद्रा की मांग हुई तो फिर मॉनेटरी थ्योरी का जो सरकार के पास पैसा नहीं था, मुख्य रूप से सरकारों के पास पैसा खत्म हो गया, तो अब ये सोचा गया कि अब कैसे होगा। ऐसे इसके पहले तो फिस्कल पॉलिसी के द्वारा किन्स ने सही किया कि सरकार इंटरवेंशन करे और सही करे, लेकिन अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तब क्या होगा, क्योंकि युद्ध के द्वारा सब बर्बाद हो गए भैया, जर्मनी वर्मनी सब यूरोप पूरा ध्वस्त हो गया था, बहुत आगे छरक के युद्ध कर रहे थे जर्मनी वगैरह, अब क्या होगा। तो अब जाके यहीं से जो उन्होंने अर्थशास्त्रियों को कहा कि भैया कोई सोल्यूशन करिए, तो फिर इन्होंने जो पोस्ट केनियन इकोनॉमी, केनियन इकोनॉमी बहुत कम तक चली थी, मतलब कि 1936 से लेकर 16 तक बस चला था लगभग, बहुत कम, ठीक है। तो पोस्ट केनियन आया था, और पोस्ट केनियन ने कहा था कि जो मनी, जैसे कि जो मॉनेटरी थ्योरी के द्वारा अर्थात मॉनेटरी जो टूल्स है उसके द्वारा हम इसको सही कर सकते हैं, कि अगर सरकार का इंटरवेंशन ना करना हो तो मॉनेटरी टूल्स के द्वारा भी हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। वो किन्स की अवधारणा की आलोचना के फलस्वरूप आया, तो उसी में से डॉन पेटिंगिंग का हमने इसके पिछली वीडियो में बता दिया था। बामोल अप्रोच को हम देखेंगे, बामोल्स अप्रोच टू ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी के बारे में दो अप्रोच हमने पढ़ लिया है, कौन कौन से अप्रोच के कौन कौन से पढ़ लिया है। सबसे पहले कि जो फिशर्स अप्रोच था क्लासिकल का, तो उसमें हमने भी पढ़ा ट्रांजेक्शन अप्रोच, ट्रांजेक्शन अप्रोच, ठीक है। और दूसरा अप्रोच था कौन सा अप्रोच, किन्सियन का। किन्सियन में भी ट्रांजेक्शन के लिए डिमांड की मांग की जाती है, और जो किन्सियन का डिमांड फॉर मनी होता है, एक सेकेंड, और जब किन्सियन में डिमांड फॉर मनी की बात की जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, किन्सियन में जब डिमांड फॉर मनी की बात की जाती है तो वहाँ पे डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज फंक्शन ऑफ वाई। उन्हें कहा था कि जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है इसे हम ALT बोलते हैं, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी को LT, यहाँ पे DLT हम लिख दे रहे हैं, तो ALT बोलते हैं। तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी किस पे निर्भर है, वाई पे, और सीधा संबंध है कि जिस अनुपात में वाई बढ़ेगा उस अनुपात में डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, आय जैसे जैसे बढ़ेगा डिमांड फॉर मनी बढ़ती जाएगी। और फिर ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, उन्होंने तो केवल जो क्लासिकल थे उन्होंने क्या कहा था कि बस जो मतलब कि जो मुद्रा की मांग किसके लिए आती है, ट्रांजेक्शन के लिए वस्तुओं और सेवाओं की, तो बस इतना ही है, इन दोनों ने कहा था मुख्य रूप से। केन्स ने और उसे मतलब कि एक्सप्लेन किया था कि वो जो डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन मनी हो वाई पे निर्भर करती है, तो इन्हीं को खारिज किया बामोल ने और फिर अपना दिया ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। इनका ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है आगे हम देख रहे हैं इसी को। जो PDF की चीज़ें हैं जैसे जैसे लिख के जैसे कि दिया हुआ है ना, तो उसको हम वैसे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको केवल समझा रहे हैं, पढ़ना आपका काम है। हमारी कोशिश ये है कि आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें समझ में आए, अगर आप समझ लेंगे तो फिर आप कैसे भी लिख लेंगे उसको, अपने भाषा में आप उसको लिख लेंगे। तो बामोल ने क्या कहा था, बामोल ने कहा था कि ट्रांजेक्शन ऑफ डिमांड जो मनी होगा, मनी का ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, अर्थात हम बोल सकते हैं ALT, एक सेकेंड, LT, ओहो इट इज़ अ वेरी बोल्ड। तो जो LT होगा ना वो किस पे निर्भर करेगा, जो क्रेडिट डिमांड फॉर मनी किस पे निर्भर करेगा, बामोल के अनुसार जहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट सबसे कम होगा, जहाँ पे जो लेन देन करने का जो कॉस्ट है वो सबसे कम होगा। एग्जांपल दैट, अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट अधिक हो, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट के लिए उन्होंने दो प्रकार के दिया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट दो प्रकार का हो सकता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम अगर मान लीजिए सी से देखें, ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर हम सी से देखें ना, तो दो प्रकार की इन्होंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को दो भागों में विभाजित किया। सबसे पहला इंटरेस्ट कॉस्ट को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट कास्ट को इन्होंने मतलब कि ब्याज दर का लागत जो है वो, तो इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा ब्रोकर कास्ट, नॉन इंटरेस्ट कास्ट को इन्होंने B से लिखा है, ब्रोकर कास्ट को। अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट कास्ट क्या है, नॉन इंटरेस्ट कास्ट या ब्रोकर कास्ट क्या है। तो इंटरेस्ट का होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपया है, 50 लाख रुपया आपके पास है। अब 50 लाख रुपया अगर आपने ट्रांजेक्शन के लिए अपने पास रख लिया,
50 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन के लिए अपने पास रख लिया और मान लीजिए ब्याज की दर 12% बैंकों में चल रहा है, 12% बैंकों में चल रहा है और आपने अपने पास रख लिए और रखे हैं, अब तो मान लीजिए क्या हो रहा है कि वहाँ पे ब्याज मिल रहा है, वहाँ पे तो ब्याज बैंक पे रखते तो ब्याज मिलता है, तो उसका मतलब कि जो 50 लाख है उसका 12% आपको अगले साल ब्याज मिलता है, पूरा बढ़िया पूरा ज़्यादा पैसा मिलता है आपको। लेकिन जब आपके पास होल्ड रखे हैं 50 लाख, तो उसका कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो जो आप ट्रांजेक्शन करने के लिए जो आपने रखा है उसका जो इंटरेस्ट कास्ट के रूप में आप चुका रहे हैं वो कितना है? 12% है, 12% आपको मिलता है, तो दैट इज़ आर इंटरेस्ट कास्ट, कि वो आपको जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना उसके लिए आपको ब्याज नहीं मिल रहा है, उस पैसे पे ब्याज नहीं मिल रहा, अगर बैंक में रखते तो ब्याज मिलता, दैट इज़ इंटरेस्ट कास्ट। समझ में आ गया? दूसरा नॉन इंटरेस्ट कास्ट, नॉन इंटरेस्ट कास्ट का मतलब ये है कि आप मान लीजिए घर से जा रहे हैं ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए, मुद्रा को अपने पास रखने के लिए ट्रांजेक्शन के लिए आप बैंक से निकालने जा रहे हैं, अब जब बैंक से निकालने जाएंगे तो किराया लगेगा, ईंधन लगेगा, आपके पास समय बर्बाद होगा, बहुत कुछ लगेगा, ये सब क्या है? ब्रोकर को भी पैसा देना होगा। जैसे कि इन्होंने दो प्रकार की मनी बताई, एक तो बॉन्ड या तो कैश, तो अगर बॉन्ड को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए बॉन्ड है आपके पास, बॉन्ड उसको अगर जा रहे हैं कन्वर्ट कराने कहीं, तो उसके लिए भी आपको इंजन तेल लगेगा, मतलब टाइम लगेगा, टाइम बर्बाद होगा, बारिश आ रहा होगा तो हो सकता है बारिश में आप भीग जाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें ये सब नॉन इंटरेस्ट कास्ट में आती हैं। तो ये सारी कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये सारे कॉस्ट अगर बॉन्ड, और दूसरी बात जब बॉन्ड को कन्वर्ट कराने जाते हैं तो क्या हो सकता है, ब्रोकर को फीस देना होता है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो वो फीस, तो क्यों, चूंकि इन्होंने कैश और बॉन्ड दोनों लिया है ना, तो इसीलिए हमने ब्रोकर फी को शामिल किया, कि कैश भी हो सकता है बॉन्ड भी हो सकता है, और मुद्रा के कई रूप हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कैश को कन्वर्ट करना है, मतलब कैश की बात है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके अलावा भी नॉन इंटरेस्ट कास्ट है, जैसे कि मान लीजिए ब्रोकर फी इत्यादि, कि अगर मान लीजिए कि गए और फिर नॉन इंटरेस्ट कास्ट के रूप में आपको क्या लग गया है, नॉन इंटरेस्ट कास्ट के रूप में आपको गाड़ी में जैसे आपने पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल लगा, पैसा लगा, दूसरी बात आपका समय बर्बाद हुआ, तीसरी बात आपने जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अनकम्फर्ट फील हुआ और बहुत सारी चीज़ें, ये नॉन इंटरेस्ट कास्ट में आया है। और इसी को हमने ब्रोकर फी के रूप में हमने बी से शामिल कर लिया, मतलब कि बॉन्ड के भी और उसके भी कैश के भी दोनों को हमने ब्रोकर फी के रूप में रख लिया। अब ये जो ट्रांजेक्शन कास्ट जहाँ पे सबसे मिनिमम होगा वहीं पे ट्रांजेक्शन होगा। बामोल ने बस इतना कहा कि ट्रांजेक्शन वैसे ही नहीं हो जाएगा कि आज जैसे बढ़ेगा वैसे ही आप बढ़ा देंगे ट्रांजेक्शन के लिए पैसा आप रख लेंगे अपने पास, नहीं, उन्होंने कहा कि आय जितना बढ़ेगा, आय मतलब उन्होंने कहा कि जहाँ पे सॉरी जहाँ उन्होंने कहा कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन कास्ट है अर्थात जिसे हम सी से दिखा रहे हैं वो सबसे कम जहाँ पे मिनिमम होगा, अर्थात जहाँ पे आर की जो कास्ट है और सेक्रीफाइस ऑफ आर्स, मतलब कि आप आर कितने आर का कितना सेक्रीफाइस करें, और सेक्रीफाइस ऑफ नॉन इंटरेस्ट कास्ट, मतलब कि आप नॉन इंटरेस्ट कास्ट को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन दोनों वो दोनों जहाँ पे सबसे कम होंगे मिनिमम होंगे वहाँ पे आप ट्रांजेक्शन के लिए उतना पैसा आप ट्रांजेक्शन के लिए क्या करेंगे अपने पास होल्ड रखेंगे, जहाँ पे ट्रांजेक्शन कास्ट सबसे मिनिमम होगी वहाँ पे व्यक्ति क्या करेगा अपने पैसे को होल्ड रखेगा, उतना ट्रांजेक्शन के लिए अपने पास रखेगा। चलिए एजम्पशंस है कुछ, आप इसको देख लीजिए, इसको देखना पड़ेगा। द ट्रांजेक्शन बिटवीन मनी एंड बॉन्ड्स आर ट्रांसपेरेंट एंड अकर इन स्टडी स्ट्रीम, द बॉन्ड मार्केट इज परफेक्ट वेयर देयर इज इजी कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड इनटू कैश एंड वाइस वर्सा, ठीक है? मतलब कि उसी प्रकार से आप कैश को बॉन्ड में कन्वर्ट सकते हैं, बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बामोल थ्योरी इज बेस्ड, देखिए इन्होंने कहा है कि बामोल जो मनी और बॉन्ड आर ट्रांसफरेबल, बस इन्होंने ये कहा है ना कि लोग या तो बॉन्ड के रूप में पैसा रखते हैं बैंक में या तो कैश के रूप में, बस वही का। तो बॉन्ड के जैसे मान लीजिए अगर मनी के रूप में, अगर मनी के रूप में अगर कन्वर्ट करने जा रहे हैं, आपके पास कुछ है, बॉन्ड को मनी के रूप में कन्वर्ट करेंगे ट्रांजेक्शन के लिए, तो आपको क्या देना होगा? ब्रोकर फी। इसीलिए तो उन्होंने आर और बी को शामिल किया है। तो इन सारे एजम्पशंस को आप पढ़ लीजिए। द होल्डिंग ऑफ कैश इन्वॉल्व्स इंटरेस्ट कॉस्ट एंड नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट, उन्होंने बताया अभी। द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉन्स्टेंट ओवर द ईयर, मतलब कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है आर वो पूरे साल क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, स्थिर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा द नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट एज सच एज ब्रोकर फी, मेलिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा आर आल्सो फिक्स्ड ओवर द ईयर, ये दोनों पैसा पता है क्या है, पूरे साल फिक्स है, इंटरेस्ट कास्ट और नॉन इंटरेस्ट कास्ट दोनों फिक्स है, तो सबसे बढ़िया ये सबसे इजी ये वाला है। आगे देखते हैं,
और बहुत सारे, जहाँ इन्होंने कहा था कि बेस्ड ऑन द होल्डिंग ऑफ एन ऑप्टिमम इन्वेंट्री ऑफ मनी ट्रांजेक्शन पर्पज, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा है ना, इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेंट्री ऑफ मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज ऑफ फर्म, इन्वेंट्री ऐसा बनाए मतलब कि इन्वेंट्री जहाँ पे सबसे कम, देखिए इन्वेंट्री पता है क्या होता है, इन्वेंट्री मतलब माल सूची, कि एक आदमी अपना पैसा कहाँ कहाँ पे, अपने जो लिक्विडिटी उसको कहाँ कहाँ पे रख सकता है, कैश के रूप में, बॉन्ड के रूप में, कई चीज़ में, तो इसी को हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो लेकिन हमने एग्जाम्पल चूँकि समझाने के लिए हमने केवल बॉन्ड और कैश लिया है, और दो भी ये भी कहा है कि या तो पैसा जो व्यक्ति होगा बॉन्ड के रूप में रखेगा या तो कैश के रूप में, ठीक है। तो बस और दो चीज़ और इसमें जो रखने के लिए, बॉन्ड के रूप में रखने के लिए और कैश के रूप, अच्छा तो बॉन्ड से बॉन्ड है और उसको कन्वर्ट कराना है कैश में, तो दो प्रकार का कॉस्ट आएगा, एक तो उस पर इंटरेस्ट मिलता, दूसरा नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट उसका कम से, मतलब कि नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट उसका नहीं लगता। लेकिन अगर बॉन्ड में रहता तो, लेकिन बॉन्ड में रख के क्या होगा, हमें तो पैसा भी चाहिए, लेकिन कैश को कन्वर्ट कराने में हमें क्या लग रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट का सेक्रीफाइस लग रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट का क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। लेकिन हमें जो नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जितना पैसा है, थोड़ा सा ट्रिपिकल है समझने में, तो जब मान लीजिए बॉन्ड है और कैश है, तो अगर मान लीजिए आप पैसा को, जो आपके पास इतना पैसा है उसको कन्वर्ट कराने जाते हैं, अब जो बॉन्ड है उसको पैसा के रूप में कन्वर्ट कराने जाते हैं, तो अगर एक बार जाएंगे तो ट्रांजेक्शन कास्ट तो कम आएगा, मतलब कि नॉन इंटरेस्ट कास्ट तो कम आएगा, लेकिन इंटरेस्ट कास्ट ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए एक ही बार जा रहे हैं, मतलब सारे बॉन्ड को एक ही बार कैश के रूप में कन्वर्ट करा ले, तो आपके पास जो मतलब कि अगर आप कुछ को रखते तो उस पर तो कम से कम इंटरेस्ट मिलता आपको, अर्थात तो बेनिफिट होता, ठीक है, लेकिन उसका लाभ इसमें मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार जा रहे हैं तो आपके पास मतलब कि अगर थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, तो जो आपके पास बैंक में पैसा बच रहा है उस पर तो इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन ये जो नॉन इंटरेस्ट कास्ट है ना वो बढ़ता जा रहा है, कि आप कई बार जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कार ब्रोकर फी इत्यादि बढ़ता जा रहा है कई बार, और ये लेकिन जो बेज जो मतलब कि इंटरेस्ट के रूप में हमें लाभ जो मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो इन दोनों के रूप में, अर्थात आपके पास कितनी बार मतलब कि आप जाएंगे, कितनी बार आप बैंक में जाने का पैसा कितना लग रहा है, अर्थात ब्रोकर फी कितना लग रहा है नॉन इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट का हमारे पास कितना लग रहा है, जब दोनों ऑप्टिमम होगा, सबसे कम होगा वहीं पर ऑप्टिमम होगा, तो वहीं पर इन्वेंट्री व्यक्ति बनाएगा कि बॉन्ड में कितना पैसा रखे और कैश में कितना पैसा रखे, इसीलिए हम इसे इन्वेंट्री थियरी ऑफ मनी भी बोलते हैं। और इन्वेंट्री कई प्रकार का हो सकता है, आदमी सिक्योरिटी में रख सकता है, इन्वेंट्री क्या होता है कि अपने एक ही चीज़ को कई जगह रखना, दैट इज इन्वेंट्री। लेकिन तो जो हम पैसा को कई जगह रख सकते हैं, सिक्योरिटी में, बॉन्ड में, लिक्विडिटी के रूप में, कैश के रूप में, लेकिन दिक्कत है कि समझाएं तो हमने केवल दो चीज़ें लिए हैं, बामोल ने केवल दो चीज़ें लिए हैं, एक तो कैश और एक बॉन्ड। तो जब बॉन्ड में कन्वर्ट कराने जाता है तो उसको क्या होता है, बॉन्ड में जब कन्वर्ट कराने जा रहा है व्यक्ति, तो इंटरेस्ट कास्ट और नॉन इंटरेस्ट कास्ट दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अगर एक ही बार में सब पैसा निकाल लिया सर, एक ही बार में सर, तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एक ही बार में निकाल लिया तो उस पर ब्याज ही नहीं मिलेगा। लेकिन नॉन इंटरेस्ट कास्ट अर्थात तो जो ईंधन उंधन है, ब्रोकर फी है, वो कम लगेगा, वो कम उस मतलब कि कम खर्चा होगा उस पर, अर्थात तो वो कम होगा, लेकिन इंटरेस्ट कास्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट कास्ट मतलब सेक्रीफाइस कास्ट, कि आपने मतलब आर को कितना सेक्रीफाइस किया, इंटरेस्ट को कितना सेक्रीफाइस किया, वो आपको मिलता। लेकिन अगर कई बार बैंक में जा रहे हैं तो आपके पास नॉन इंटरेस्ट कास्ट जो वाला दूसरा पोर्शन है बी, तो ब्रोकर से बार बार मतलब ब्रोकर फी आपको बार बार देना पड़ेगा, सारे जो नॉन इंटरेस्ट कास्ट है उसको हमने केवल ब्रोकर फी के माध्यम से हमने माना है, तो वो ज़्यादा बढ़ेगा ब्रोकर फी, लेकिन इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो इंटरेस्ट कास्ट आपको कम देना पड़ेगा। तो दोनों जहाँ पे कम होंगे, सबसे कम होंगे अर्थात इंटरेस्ट कास्ट नॉन इंटरेस्ट कास्ट, दोनों जहाँ पे सबसे कम वहीं पे ऑप्टिमम इन्वेंट्री बनेगी, इसलिए इन्वेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी भी इसे बोलते हैं, या ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी भी इस सिद्धांत को बोलते हैं, इसे याद रखिए। अब हम ऑप्टिमम इन्वेंट्री कैसे जानेंगे, जहाँ पे दोनों कम होगा, और उसको जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या, हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास मतलब कि ऑप्टिमम इन्वेंट्री बनेगी या सबसे कम कास्ट होगा, हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन मतलब कि अगर थोड़ा सा अगर हम कास्ट में चेंज करें, मतलब कि अगर थोड़ा सा हम कैश में मतलब कि अगर हम थोड़ा सा कास्ट में चेंज करते हैं तो और जगह पे कितना चेंज होता है, मतलब डिमांड फॉर मनी में कितना चेंज होता है, समझ में आ रहा है ना, इसको हम देखेंगे आगे। कि मतलब कि हमें पता कि ये करना है कि मतलब नॉन इंटरेस्ट कास्ट इंटरेस्ट कास्ट सबसे कम कहाँ होगा, तो हम एक बार चेंज करेंगे इसको,
कि अगर थोड़ा सा अगर हम कॉस्ट में चेंज करें तो किस प्रकार से नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट में मतलब कि चेंज होता है, किस प्रकार से इंटरेस्ट कॉस्ट में चेंज होता है। तो अगर मार्जिनल चेंज पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हम मतलब कि कितना सबसे कम कॉस्ट हमें कितने लेवल पर कितना पैसा निकाले, कितना ट्रांजेक्शन करें तो आएगा। ठीक है, तो फिर हमने उसको फार्मूला लगाया और फिर फार्मूला इस प्रकार से है, देखिए कैसे है। अभी हम इसको बता रहे हैं सारी चीज़ें क्या है। यहाँ पे फार्मूला ये सी क्या है, ये टोटल कास्ट हमने बताया है, टोटल कास्ट है और हमने बताया टोटल कास्ट और एक चीज़ ये क्या है, आर है इंटरेस्ट कास्ट और बी क्या है नॉन इंटरेस्ट कास्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ब्रोकर का। और के क्या है, के है कि टोटल आपके पास जितना पैसा है वह अनुपात बता रहा है कि आप किस अनुपात में पैसे को निकालते हैं। चूँकि इसका एक और एजम्पशन है कि किसी व्यक्ति को एक ही साल में सब पैसा निकालना है, एक निश्चित वर्ष में मतलब कि लगभग एक साल में, एक निश्चित वर्ष या एक साल में माने, तो आपको सब पैसा निकालना है, रखना नहीं है उसको कि भैया अगले मतलब कि बाद में नहीं, एक ही साल निकालना है। तो कितनी बार निकालेगा तभी तो पता चलेगा, जब स्थिर मानेंगे तभी पता चलेगा कि कितनी बार निकल रहा है, तो कितना हमारे पास ट्रांजेक्शन कास्ट आ रहा है। तो हमने ये माना कि खर्च करना है, तो के क्या है, अनुपात है, के अनुपात है कि आप कितना पैसा निकाल, मान लीजिए आपके पास राष्ट्रीय आय है 12,000, लेकिन आप इसको तीन बार निकाल रहे हैं, अर्थात तीन बार मतलब तीन कितना निकाल रहे हैं, 3,000 निकाल रहे हैं ना, 3,000। तो क्या अब के बता रहे हैं, 3,000 बता रहे हैं। अगर मान लीजिए हम एक बार में 3,000 बार निकाल रहे हैं तो के अनुपात बता रहा है कि आपके पास जितना पैसा उसमें से कितना निकाल रहे हैं, तो के मान लीजिए 3,000 है तो आप कितना निकालेंगे, कितनी बार, तो इसे हम वाई बराबर के कर देंगे तो पता चल जाएगा ना जी कि कितना कितनी बार निकालेंगे, पता चल जाएगा कितनी बार निकालेंगे। ठीक है, और देखिए तो अगर इससे हम B से गुणा कर देंगे कितनी बार निकालेंगे, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि आप कितने में से कि आप कितनी बार निकालेंगे उसको बता रहा है B के बार। वाई का मान आपके पास 12,000 है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि K का मान हो गया कि आप 4,000 एक बार में निकालेंगे, अर्थात अनुपात इसका कितना हो गया कि आप 4,000 निकालेंगे, तो कितनी बार निकालेंगे, तो वाई बाई के तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 बार में ऐसा तीन बार निकालेंगे। अब 3 बार में इंटरेस्ट कास्ट कितना लगेगा और नॉन इंटरेस्ट कास्ट कितना लगेगा इसको हम देखेंगे। तो तीन बार में नॉन इंटरेस्ट कास्ट कितना लगेगा इसको हम बी से गुणा कर देंगे। बी से जब गुणा कर देंगे ना तो पता चलेगा कि 3 बार में हमारे पास नॉन इंटरेस्ट कास्ट कितना लग जाएगा, मतलब कन्वर्ट कराने में कितना लगेगा। और दूसरी बात यह है कि अब हमें इंटरेस्ट कास्ट देखना है टोटल, तो हमें हो जाएगा टोटल ब्रोकर फी, हमें निकल जाएगा टोटल ब्रोकर फी या टोटल नॉन इंटरेस्ट कास्ट। ठीक है, ब्रोकर फी मतलब नॉन इंटरेस्ट कास्ट ही, क्योंकि सारे नॉन इंटरेस्ट कास्ट को हमने ब्रोकर फी के रूप में माना है, तो टोटल ब्रोकर फी हो गया। और दूसरा फी ये भी तो कास्ट ही है, और दूसरा कास्ट है कि आर मतलब कि इंटरेस्ट कास्ट, तो टोटल इंटरेस्ट कास्ट कितना हो गया, ये हमने लिया है आर के बाई टू। अगर मान लीजिए आपने के कितना निकाल लिया, 3,000 निकाला, 4,000 निकाला, 4,000 निकालेंगे तो तुरंत तो पैसा मतलब कि सारा पैसा तुरंत खर्चा नहीं करते हैं, कोई माना यहाँ पे गया कि सारा पैसा व्यक्ति खर्चा नहीं करता। तो अगर मान लीजिए कि के है, आपने के निकाला लेकिन इस पे 2 बार में अर्थात इसके दूसरा हिस्सा पे अगर आपने ऐसे मान लीजिए आपने के है आपके पास के, लेकिन आप इसके दूसरा हिस्सा पे क्या करते, अगर आपने रखा होता इसका आधा हिस्सा आपने रखा होता बैंक में, आधा खर्च किया होता, तो जो आधा हिस्सा है उस पर क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। एक बार की बात है, देखिए निकालेंगे तो 3 बार, लेकिन हम चेंज को देख रहे हैं तो इसीलिए हम सबसे पहले मार्जिन की गणना कर रहे हैं। तो सब 3 बार निकालेंगे ना तो उसका नॉन इंटरेस्ट कास्ट हमने देख लिया है कि टी और बी होगा, अर्थात टोटल नॉन इंटरेस्ट कास्ट, और दूसरे पर हम देख रहे हैं इंटरेस्ट कास्ट। तो आपने के निकाला है एक बार में कितना पैसा निकाल लिया है के, और के को हमने मान लीजिए तुरंत तो खर्चा नहीं करना है, कोई भी व्यक्ति तुरंत खर्चा नहीं करता है, मान लीजिए 50,000 है या 1,00,000, 10,00,000 रुपया निकाला तो तुरंत 10,00,000 नहीं खर्चा, तो बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक्सेप्शन को नहीं, मतलब कि जब कोई थियोरी होती है ना तो एक्सेप्शन को मार के नहीं चलता है, सबको लेके चलता है एज ए होल। तो मान लीजिए के निकाल लिया, अब उसी को सबसे धीरे धीरे खर्चा कर रहा है 2,000 4,000, तो अगर मान लीजिए इन्होंने आधा मान लिया कि के बाई टू, अगर मान लीजिए अगर बैंक में रहा था तो उस पर इंटरेस्ट मिलता ना जी, मिलता है, उस पर ब्याज मिलता ना, तो पैसा लाभ ही तो होता, इसीलिए इन्होंने अगर जब आर बाई टू पे आपको क्या मिलता, ब्याज मिलता,
तो जो आर बाई टू से अगर हम आर को गुणा कर देंगे तो पता हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट कास्ट निकल जाएगा कि आप कितना आपको पैसा मिलता है जो आपको नहीं मिल रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट कास्ट बराबर आर इंटू टी इंटू आर, टोटल टोटल इंटरेस्ट कास्ट। चलिए अब टोटल कास्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट मतलब कि टोटल कास्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, और गुणा कर देंगे के बाई टू से, क्यों करेंगे हमने बताया है। और दूसरा बी हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे वाई बाई के से, सॉरी वाई बाई के से। तो अभी टोटल कास्ट हो गया जी, ये इंटरेस्ट कास्ट हो गया, तो सी इक्वल टू हो जाएगा टोटल टोटल इंटरेस्ट कास्ट प्लस टोटल नॉन इंटरेस्ट कास्ट जिसको हम बी से दिखाते हैं। तो टोटल कास्ट हो गया। अब इसमें अगर इसका जब हम वो कर देंगे मतलब डिफरेंशिएशन कर देंगे जी, डिफरेंशिएशन, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे कास्ट में चेंज कितना हो रहा है। और जब पूरे कास्ट में चेंज पता चल जाएगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कास्ट मिनिमम कैसे होगा। ठीक है, चलिए चलिए अब पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इक्वेजन टू, अब बस ऐसे ही है, जैसे डिफरेंशिएशन किया तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब कैसे आई रुकिए हम बता रहे हैं, एक बार ये ऐसे जो लिखा है ना इसे समझ में आएगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा ऐसे, लेकिन हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे होगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे सारे पेज पे हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो कास्ट है ना, कास्ट इसको हम सी, जो टोटल कास्ट आएगा, तो उसको हम के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, डी सी अपन डी के। अब जैसे इतना करेंगे डी के, अब होगा क्या, डी बाई डी के लिखते हैं, डी के लिखते हैं, अब इसके बाद इंटू बी वाई, बी वाई है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा के प्लस, यहाँ पे हो जाएगा डी इंटू डी, डी अपन डी के, और उसके साथ साथ डी के साथ साथ हो जाएगा के बाई टू इंटू आर। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं के बाई, अब समझने अपने कापी में लिखिएगा के बाई टू इंटू आर, समझ में आ रहा है ना। हम बस वही है जैसे जो बी वाई और के है ना, और उसको पहले लिख दिए हैं, और जो क्या नाम है के इंटू आर, के बाई टू इंटू आर है, उसको बाद में लिख दिए हैं, जो उसमें लिखा था उसके अनदर चीज़। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत बेचीदा हो गया। अब के है ना, अब इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, के को ऊपर ले जाएंगे, जब k ऊपर जाएगा तो हो जाएगा k माइनस वन। अब k माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी, अब k माइनस वन का डिफरेंशिएशन, ये माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस k, माइनस k हो जाएगा। अब फिर इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n x n माइनस वन, तो जो n है ना अर्थात माइनस वन, माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस वन, और फिर भी इसमें माइनस वन होता है तो माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू, अर्थात माइनस के माइनस टू। ठीक है, अब जब इसको नीचे भेज देंगे, ऊपर से फिर नीचे भेज देंगे, तो पता है क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा के का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, अभी बता रहा हूँ। अब इसको आप लोग साइमल्टेनियसली आप इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि अब बहुत बेचीदा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट करते रहिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जितना हमने अभी किया है, देखिए होता क्या है, क्योंकि बहुत जल्दी इस पर एडजस्ट हो नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं ये है, जब डी बाई, जब हमने डिफरेंशिएशन किया डी बाई डी सी अपन डी के सापेक्ष में जब करेंगे ना, तो ये कितना हो गया डी बाई डी के आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी इसको नोट करिए पहले, और उसके साथ साथ कितना हो जाएगा बी वाई, तो था ही बी वाई और के हो जाएगा के और के, और फिर उसके साथ साथ पता है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कितना है, ये नॉन इंटरेस्ट कास्ट है बी वाई, आप ध्यान दीजिएगा बी वाई बाई के, बी वाई बाई के क्या है नॉन इंटरेस्ट कास्ट है, और यहाँ पर हो जाएगा के बाई टू इंटू आर, ये क्या है इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसको जब हमने डिफरेंशिएट, अब जो के है ना, के का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी वाई माइनस के, जैसे जो प्लस है ना वो माइनस हो जाएगा,
तो जो के था इस पर -1 हो जाएगा, पावर इन्वर्स हो जाता है ना उस पर जब ऊपर जाता है। तो अब इसका जो फार्मूला, इसका मतलब क्या होता है फार्मूला, आज फार्मूला जानते होंगे, ये बी और वाई कांस्टेंट है क्योंकि ओवर द ईयर बी के नॉन इंटरेस्ट कास्ट और इंटरेस्ट कास्ट सब मतलब कि सेम है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो वाई भी सेम है, रियल इनकम ये सबको कांस्टेंट अभी माना गया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो माइनस का, और आप जानते हैं ना कि ये फार्मूला क्या होता है डिफ्रेंसिएशन का, कि एन एक्स एन माइनस वन, तो जो एन का मान कितना है -1 है, तो -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के हो जाएगा, और जो -1 में यहाँ पे -1 करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, इस पर -2 समझ में आ रहा है ना। तो अब इसके जगह पे जब इसको नीचे कर देंगे, चूँकि माइनस तो यहाँ पे है, तो माइनस जब इसमें माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, बी और वाई में माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा -BY और फिर के का स्क्वायर, के का माइनस स्क्वायर, माइनस के पे -2, ठीक है। अब फिर जब के को नीचे भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा -BY अपान के का स्क्वायर, समझ में आ गया ना। अब चलिए इसको फिर हम अलग से लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BY -BY और फिर यहाँ पे हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस, अब जो के है वो कांस्टेंट है ऊपर है, के बाई टू क्या है मतलब कि के कांस्टेंट है ऊपर है ना, तो कांस्टेंट और नीचे 2 है और यहाँ पे हो जाएगा आर, समझ में आया ना। तो अब के बाई इसको के से इसमें गुणा कर देंगे तो भी वही होगा, अर्थात बी वाई अपन के स्क्वायर प्लस आर बाई टू हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा नहीं हो जाएगा पता नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखना। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो भिन्न के माध्यम से सॉल्व करते हैं, अब भिन्न के माध्यम से किस सॉल्व, अब इसको सबसे पहले इसको यहाँ पे भेज दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे भेजेंगे और इसको यहाँ पे भेजेंगे, एक सेकेंड, चलिए इस पे ध्यान से देखिएगा। इसको हम जीरो के, इसको हम बराबर जीरो करेंगे, इसके बराबर हम जीरो करेंगे, इसको हम अगले तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे है -BY का के स्क्वायर, अब बराबर जब इसको भेज देंगे उधर तो क्या हो जाएगा आर बाई टू हो जाएगा, अब प्लस में है ये तो माइनस में हो जाएगा -R/2, हाँ समझ में आ रहा है। अब माइनस से इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, ठीक है, अब ये भागा में है ना, ये भाग में है, अब इसको जब उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2BY हो जाएगा, और ये गुड़ा में है तो ये नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 0। अब के अब देखिए एक सेकेंड इसको नोट करते चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नोट करते चलिएगा इसको सर। चलिए अब एक चीज़ और, चलिए अभी हम ऊपर बता रहे हैं, यहाँ तक आप लोग समझे, यहाँ तक आप समझ गए कि 2BY अपान के स्क्वायर और R कैसे आया। यहाँ पे देखिए क्या है, इस वाली स्थिति पे R है, यहाँ पे के स्क्वायर इंटू R है, ठीक है। अब जब के स्क्वायर को उधर भेजेंगे, के क्या है आप कितनी बार पैसा निकालना है, तो हमें पता करना है कि एक बार में अर्थात मार्जिनल में कितना परिवर्तन हो रहा है, डिफरेंशिएशन करने का मतलब एक बार में पैसा निकालने का क्या मतलब है, कितना आएगा, तो बस वही देखना है। तो अब हम के स्क्वायर को उधर करेंगे, इधर 0 के बाहर तो हो जाएगा 2BY अपन आर इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा, अरे के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब के स्क्वायर के बाहर इतना है तो के का मान कितना होगा, के का मान अंडर रूट हो जाएगा इसका, अंडर रूट 2BY अपन आर इक्वल टू के, ये हो जाएगा इतना पैसा हो जाएगा कि अगर आप एक बार पैसा निकालते हैं, के का मान कितना होगा एक, तो अगर एक बार पैसा निकालेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, एक बार अगर पैसा निकालेंगे तो कितना दोनों कास्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट कास्ट और नॉन इंटरेस्ट कास्ट, ये वाला। तो अगर एक बार पैसा निकालने में पता चल गया कि हमें इतना पैसा आएगा,
मतलब कि इंटरेस्ट कास्ट और नॉन इंटरेस्ट कास्ट के रूप में, तो पता चलेगा कि हम कितना पैसा निकालेंगे। तो सबसे कम मतलब कि ट्रांजेक्शन कास्ट लगेगा, सबसे कम मिनिमम, सबसे मिनिमम ट्रांजेक्शन कास्ट होगा तो इतना होगा भैया, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये वाला। तो टू बी वाई अपान आर और के इक्वल टू इतना, तो हमें इतना पता चल गया ट्रांजेक्शन कास्ट इतना होगा। इसी को हम वर्गमूल विधि भी बोलते हैं, वर्गमूल विधि। और वर्गमूल विधि को किसने दिया था? बामूल ने। और बामूल ने कहा था, बस आप इतना समझ लिए ना, इतना फर्क इतना कहाँ से आया, अभी हम आगे समझा रहे हैं। टू बी वाई अपान आर का वर्गमूल बराबर के। चलिए हम अपने पेज पे चलते हैं, वहाँ यहाँ पे देखिएगा, बस वही है फार्मूला के स्क्वायर बराबर। अभी वैसे अगर आपको समझा देते कि देखिए ऐसे आया है तो पल्ले नहीं पड़ता। अब आपको समझ में आया कि कैसे के स्क्वायर इक्वल टू टू बी वाई बाई आर और के बराबर ए हो गया, सारी चीज़ें आ रहा है ना। चलिए आगे देख रहे हैं। अब यहाँ पे दे दिया है कि मनी डिमांड, मनी डिमांड और पी अर्थात और प्राइस अर्थात रियल बैलेंस इफेक्ट के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं इसमें, के बाई टू और फिर, और फिर मनी का डिमांड कितना होगा, डिमांड फॉर मनी इस प्रकार से होगा। तो डिमांड फॉर मनी कितना होगा, इन्होंने मतलब रिसर्च करके और फिर हमने पता किया इसमें कि डिमांड फॉर मनी कितना होगा आखिर। तो डिमांड फॉर मनी कितना हो जाएगा, वन बाई टू टू बी वाई आर इंटू पी। अर्थात रियल बैलेंस, जैसे आप जानते होंगे ना कि एम बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल बैलेंस, रियल डिमांड आप बोल सकते हैं, रियल डिमांड अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड इतना होगा। कितना होगा वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड, के बाई टू, के बाई टू ही हम पैसा मतलब मांगे बैंक से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि अब बुद्धिमान हो गए हैं, पैसा हम इतना ही निकालेंगे, क्योंकि उसके अलावा जो मतलब कि के बाई टू निकालने का मतलब कि जो के हमने चूज किया था उसका आधा निकालेंगे, इससे क्या होगा हमारे पास ब्याज मिलेगा कुछ। और इसी के बाई टू का मान कितना है, वन बाई टू फिर अंडर रूट टू बी वाई अपान आर। तो इतना है मतलब रियल टर्म में, मतलब कि वस्तु और सेवाओं के रूप में। लेकिन लेकिन हम मतलब कि मुद्रा के रूप में कितना निकालेंगे, यहाँ पे पी से इसमें गुणा कर देंगे इंटू पी, अर्थात एम डी इक्वल टू पी को बस उधर कर दिया है कि मुद्रा की मांग हम कितना कितने के बराबर करेंगे, मुद्रा की मांग रियल टर्म में नहीं, मुद्रा की मांग। तो इसमें मुद्रा की मांग में अगर हम इसमें पी से अगर गुणा कर देंगे ना, तो मुद्रा के रूप में इसकी मांग निकल जाएगी कि हम मुद्रा की मांग कितना करेंगे, तो दैट इज इतना हो जाएगा एम डी इक्वल टू वन बाई टू अंडर रूट टू बी वाई अपन आर इंटू पी। अगर आपको एम बाई पी क्या है, एम डी बाई पी क्या है ना, तो ये रियल डिमांड है, रियल डिमांड ऑफ मनी। तो ये कैसे रियल डिमांड, तो रियल बैलेंस के माध्यम से होगा, जो पिछला हमने बताया है डाउन पेटिंग का मॉडल, तो आप पिछला जरूर देखिएगा इसको जानने के लिए एम डी बाई पी को, कि एम बाई पी क्या होता है, रियल बैलेंस होता है, रियल कैश बैलेंस। तो इसीलिए एम डी बाई पी क्या होता है, रियल डिमांड फॉर मनी। तो रियल डिमांड फॉर मनी मतलब वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कितना डिमांड फॉर मनी लोग करेंगे, तो इतना बराबर हो के बाई टू के माध्यम से या वन बाई टू और टू बी वाई अंडर रूट टू बी वाई अपन आर। और अगर हम मुद्रा के रूप में मतलब कि मुद्रा के रूप में कितना पैसा मतलब 50,000 10,000 कितना निकालेगा, तो वन बाई टू अंडर रूट टू बी वाई बाई आर इंटू पी इतना निकालेगा। और आप इन्होंने देखिए क्या बताया है कि किन्स ने बताया था ना कि जो मुद्रा किन्स ने क्या बताया था कि जो मुद्रा का जो डिमांड है ना वो क्या है, फंक्शन ऑफ वाई, वाई जितना बढ़ेगा उतना मुद्रा की मांग बढ़ेगी। लेकिन इसमें बामूल ने बताया कि वाई अगर बढ़ेगा तो बहुत कम मात्रा में मुद्रा की मांग बढ़ेगी। अगर आपके पास आय बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत कम मात्रा में हम मनी की मांग करेंगे, क्यों, क्योंकि आप उस पर ब्याज लेना चाहते हैं, आप ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट कास्ट आप नहीं देना चाहते, आप पूरा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आपको ब्याज चाहिए। इसीलिए अब बहुत ज़्यादा अगर आय बढ़ता है आपका तब थोड़ा सा पैसा निकालते हैं। अब आप बुद्धिमान हैं इस थ्योरी को पढ़ने के बाद, तो ज़रूर पढ़िएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, मज़ा भी आया होगा, ठीक है, सारी चीज़ समझने में। हाँ, अब हम देखिए जो चीज़ें हमने आपको मतलब ब्लैंक पेपर के समझाया तो उसको तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जो PDF में है जो चीज़ें, तो आप उसको अभी हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप समझिए, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा पाँच, ठीक है, ऐसे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमें उम्मीद है आपको सब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो आप कोशिश करिए कि सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ें, जिससे हम लोग लाइव आएँ और लाइव क्लास लें, जिससे आपको मतलब कि जो डायरेक्टली आपको जो डाउट है उसको सॉल्व किया जाए।
ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े, ज़्यादा बढ़े, जिससे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करें। और कभी भी मतलब कि इतनी गारंटी हमारी है कि अगर आप डायरेक्टली पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे, तो इतनी मतलब आप जैसे क्वेश्चन करेंगे हम तुरंत समझा देंगे, तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी चीज़ से संबंधित डाउट। तो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।